दोस्तों, अगर आप भी लाइगर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों, अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों पुरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन ने, चंकी पांडे, राम्या कृष्णन ने, रोनित रोए,
विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरन देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है, जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वहीं संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इसे बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके, क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया, जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है, जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान MMA सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। MMA फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लाइगर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है,
कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों, अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन ने, चंकी पांडे, राम्या कृष्ण ने, रोनित रोए, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरंद देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करीमनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है, जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वही संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर में जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इस बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है
उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान एमएमए सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। एमएमए फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी लाइगर मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों, अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन, चंकी पांडे, राम्या कृष्णन, रोनित रोय, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरंद देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।
OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी हद इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी मां बालमणि करनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वहीं संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इसे बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान MMA सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। MMA फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लाइगर मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको
काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन ने, चंकी पांडे, राम्या कृष्ण ने, रोनित रोय, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरन देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है, जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वही संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ ही दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इसे बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके, क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया, जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है, जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान MMA सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। MMA फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लाइगर मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में।
ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन, चंकी पांडे, राम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरन देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करीमनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है, जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वही संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ ही दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इसे बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे
और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान एमएमए सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। एमएमए फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी लाइगर मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन, चंकी पांडे, राम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरन देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।
OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वहीं संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ ही दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इसे बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान MMA सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। MMA फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लाइगर मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पूरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको
काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन, चंकी पांडे, राम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरन देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लायन बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है, जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वहीं संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ ही दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इस बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके, क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया, जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है, जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान MMA सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। MMA फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लाइगर मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में।
ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पूरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन, चंकी पांडे, राम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरन देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करीमनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है, जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वहीं संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इस बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है।
उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है जो मार्क एंडरसन है जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान एमएमए सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। एमएमए फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लाइगर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन ने, चंकी पांडे, राम्या कृष्णन ने, रोनित रोए, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरन देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।
OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करीमनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वहीं संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इस बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है जो मार्क एंडरसन है जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान MMA सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। MMA फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लाइगर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों पूरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको
काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन ने, चंकी पांडे, राम्या कृष्ण ने, रोनित रोए, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरन देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करीमनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है, जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वहीं संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इसे बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके, क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया, जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है, जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान MMA सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। MMA फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लाइगर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में।
ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों, अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन ने, चंकी पांडे, राम्या कृष्णन ने, रोनित रोए, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरंद देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करीमनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है, जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वही संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर में जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इसे बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे
और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके, क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया, जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान एमएमए सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। एमएमए फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी लाइगर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों, अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन, चंकी पांडे, राम्या कृष्णन, रोनित रोय, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरंद देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।
OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी मां बालमणि करनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वहीं संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर में जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इसे बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान MMA सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। MMA फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लाइगर मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पूरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको
काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन ने, चंकी पांडे, राम्या कृष्ण ने, रोनित रोय, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरन देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करीमनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है, जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वही संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ ही दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इसे बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके, क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया, जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है, जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान MMA सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। MMA फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लाइगर मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में।
ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन, चंकी पांडे, राम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरन देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करीमनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है, जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वही संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ ही दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इसे बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है
उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान एमएमए सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। एमएमए फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी लाइगर मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन, चंकी पांडे, राम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरन देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।
OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करीमनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वहीं संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ ही दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इसे बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान MMA सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। MMA फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लाइगर मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि
अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन, चंकी पांडे, राम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरन देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है, जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वहीं संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ ही दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इस बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके, क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया, जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है, जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान MMA सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। MMA फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लाइगर मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है,
कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन, चंकी पांडे, राम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरन देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करीमनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है, जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वहीं संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इस बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे
और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके, क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया, जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान एमएमए सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। एमएमए फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी लाइगर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन, चंकी पांडे, राम्या कृष्णन, रोनित रोए, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरन देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।
OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करीमनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वहीं संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इस बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान MMA सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। MMA फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की कगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लाइगर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको
काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन ने, चंकी पांडे, राम्या कृष्ण ने, रोनित रोए, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरन देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करीमनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है, जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वहीं संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इसे बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके, क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया, जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है, जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान MMA सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। MMA फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लाइगर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में।
ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों, अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन ने, चंकी पांडे, राम्या कृष्णन ने, रोनित रोए, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरन देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है, जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वहीं संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इस बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है
उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है जो मार्क एंडरसन है जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान एमएमए सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। एमएमए फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लाइगर मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन ने, चंकी पांडे, राम्या कृष्ण ने, रोनित रोए, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरंद देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं।
इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस Hotstar पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वहीं संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर में जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इसे बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान MMA सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। MMA फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस Hotstar पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लाइगर मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों पूरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन, चंकी पांडे, राम्या कृष्णन, रोनित रोय, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरंद देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लाया ने बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है, जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वही संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इसे बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके, क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया, जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है, जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान MMA सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। MMA फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को
एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लाइगर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइगर मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड स्पोर्ट मूवी लाइगर, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पूरी जगन्नाथ, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, एवी हेरल्सन, चंकी पांडे, राम्या कृष्णन, रोनित रोय, विशु रेड्डी, रसिका प्रधान, मकरन देश पांडे, गेटअप सीनू, अभिनय राज सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है अपने पिता लायन बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद MMA नेशनल चैम्पियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उनकी माँ बालमणि करीमनगर से मुंबई चले गए। बालमणि लाइगर को MMA चैम्पियन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे क्रिस्टोफर नामक कोच के पास ले जाती है, जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लाइगर खेल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, उसकी मुलाकात एक अमीर युवा महिला तान्या से होती है
और उससे प्यार हो जाता है। अपने भाई संजू से ये जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तान्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। ऐसी कृत्य से प्रेरित होकर लाइगर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। वही संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। हालांकि फाइनल से कुछ ही दिन पहले तान्या का अपहरण कर लिया जाता है। इसे बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और वे ऐसा है क्योंकि वे उसे पैसे वापस नहीं चुका सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर से संबंध तोड़ लिया है ताकि वे अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके, क्योंकि उसका माँ ने ध्यान भटकाने के लिए उसे डांटा था, तो लाइगर ने खुद ही तान्या को बचाने का फैसला किया, जिसके कारण अत्यंत उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। उसकी मुलाकात अपहरणकर्ता से होती है जो मार्क एंडरसन है, जो उसका आजीवन आदर्श और एक महान एमएमए सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। एमएमए फाइनल में लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। जब लाइगर हारने की गगार पर होता है तो उसे वह सलाह याद आती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।